नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़। सलीन डालते हैं आज की खबरों पर। इंदौर, भोपाल, जबलपुर के बाद अब रतलाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते दो डॉक्टर पकड़े गए हैं। पुलिस ने जीवांश हॉस्पिटल के दो डॉक्टरों को रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। डॉक्टर उत्सव नायक ने एक ग्राहक को 90,000 में 3 इंजेक्शन देने का सौदा तय किया था। डॉक्टर ने ग्राहक को इंजेक्शन देने के लिए जीवांश हॉस्पिटल के पास बुलाया था। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर डॉक्टर को दबोच लिया। शुरुआती पूछताछ में डॉक्टर उत्सव नायक ने बताया कि अपने सीनियर डॉक्टर यशवाल सिंह के कहने पर वह ग्राहक को इंजेक्शन डिलीवरी देने गया था। पुलिस ने जीवांश हॉस्पिटल से दोनों डॉक्टरों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने डॉक्टरों के मोबाइल के साथ कुछ इंजेक्शन भी जब्त किए हैं। डॉक्टर के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल के आधार पर कालाबाजारी करने वाले शहर के दवा माफिया की तलाश की जा रही है। आज थाना प्रभारी आइए रतलाम को एक जानकारी मिली है। पीड़ित व्यक्ति आया जिसने बताया कि उसके परिवारजन कोरोना की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति से संपर्क किया। उस व्यक्ति ने उनको उसकी कीमत 35,000 रुपये बताई, 30 से 35,000 रुपये बताया। और जब उससे उन्होंने लेने की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर जब मार्केट में पता किया तो लोगों का कहना था कि ये शासकीय मूल्य इसकी जो है वो 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये है। तो इसको डाउट हुआ कि ये कोई कालाबाजारी करने वाला गिरोह है। इसकी जानकारी उन्होंने थाना प्रभारी को उपलब्ध कराई। थाना प्रभारी ने पुलिस में योजनाबद्ध तरीके से उनको पकड़ा है, जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त हुआ है। और इसमें ये लोग मार्केट में 30 से 35,000 रुपये की कालाबाजारी कर रहे थे। इसमें प्रारंभिक जो मौके से गिरफ्तार हुआ उत्सव नायक करके व्यक्ति है, उसके साथ में जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यशपाल राठौड़, ये दोनों ही जीवांश हॉस्पिटल में काम करते हैं। इन दोनों को पुलिस ने राउंडअप किया है। अभी तक की पूछताछ में इसने एक तीसरे व्यक्ति का नाम बताया है, प्रणव जोशी करके, जो कि अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये लोग कहाँ से लाते हैं और जो इतने अधिक रेट पर बेच रहे हैं, इनके पीछे कौन कौन शामिल है, ये सब विवेचना का एंगल है। हम लोग अभी जस्ट FIR किए हैं। इसमें धारा 420 और 3/7 इसी एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे गिरोह का पता लगा रहे हैं हम लोग कि कहाँ से ये इंजेक्शन इनको उपलब्ध हो रहा है। ये ओरिजिनल है भी, डुप्लीकेट तो नहीं बेच रहे हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सारे तथ्य तो हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें हम लोग खुलासा करेंगे आपके सामने। सर, शासकीय डॉक्टरों का भी आना जाना है तो उनकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह? ये सब जाँच का विषय भी बताया मैंने ना, जिनके पास से इंजेक्शन मिला सिर्फ उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभी। बाकी लोग इनसे पूछताछ के बाद आगे लीड मिलेगा। इसमें बजाय हम लोग टाइम वेस्ट करें, हम लोग अपनी टीम को रवाना कर रहे हैं।